अस्सलाम वालेकुम, योग होरोस्कोप की तरफ से खुश आमदीद। हम आपको रोज़ाना आपके माली मसाइल और मौशी इस्तेहकाम, आपके घरेलू समाजी बैरून मुल्क के मुतालिक सितारों की चाल के हिसाब से और इल्मुलदाद के हिसाब से बताते हैं। आप लोग अपनी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक अपना बुर्ज देखें और फिर उसके असरात देखें। उम्मीद है अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे, इंशाल्लाह रोज़गार के मसाइल हल होंगे। तो आइए देखते हैं आज का दिन आपके लिए क्या कामयाबियां लाया है। बुर्ज हमल एरीज, आज का दिन काम करने के लिए बेहतर है। बाद नमाज जुमा अपने कारोबार के लिए दुआ करें, क्योंकि ये माह भी सुस्त रवि का शिकार है। अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क कोई भी कारोबारी पोजीशन बेहतर ना है। सरकारी काम, बैंक इंश्योरेंस क्लेम, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर, दीगर अदारों के कारोबार में आप कोई कामयाबी मिलेगी, कोई रकम भी मिल सकती है। आपकी तबीयत में ठहराव भी कम है, मगर फिर भी अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। बुर्ज सौर टॉरस, सेहत के मामलात में आज अल्लाह पाक की तरफ से शिफा नसीब होगी। आज का दिन आपकी माली पोजीशन को बेहतर करेगा। नमाज जुमा के बाद इन लोगों से राबता करना बेहतर होगा जिनके साथ आपके कारोबारी ताल्लुक़ हैं, अल्लाह पाक ज़रूर मदद फरमाएंगे। आप मुकम्मल जहनी सलाहियत को बरोए कार लाएँ, अपने कामों को मुकम्मल करें, दुआ करना आपके लिए कामयाबी लाएगा। अपने ख्यालात में नई सोच उभरेगी, बुराइयों से अपने दिल को साफ करने का दिन है। अज़दवाजी ताल्लुकात में बेहतरी और शराकती कारोबार में वसत आएगी, अखराजात कम करें। बुर्ज जोजा जेमिनी, जब से ये माह शुरू हुआ है आपकी तबीयत अजीब सी है, सुस्ती काहिल एसावी मामलात में आपकी सेहत नॉर्मल ना है। आज बाद नमाज जुमा सूरह रहमान पढ़कर पानी पर फूंक मार कर पिएं और अल्लाह के हुजूर दुआ करें, इंशाल्लाह तबीयत बहाल होगी, काम करने को दिल चाहेगा, कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी। रसला रसाइल पब्लिशिंग, पब्लिसिटी के काम, तहरीरी काम और अदलिया से मुतालिक कामों में मशवरा करना, सरकारी गैर सरकारी अदारों के मुलाजमीन सब के लिए काम करने का अच्छा मौका है, दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके साथ शुरू माह में कुछ नए लोगों का इजाफा होने वाला है जो आपके काम में चार चांद लगा देंगे। तामीरी और अहम कामों में बरकत मिलेगी, अखराजात को काबू में रखें। आज नमाज जुमा के बाद अल्लाह पाक से दुआ करें, यकीनन कबूल होगी। आज का दिन अच्छा है, मगर कानूनी मामलात में बग़ैर मशवरा कदम ना उठाएं। आज का दिन अच्छे दिनों में शुमार होगा। जिन लोगों के हिकमत अमली बेहतर होगी, बेहतर कारोबार कर सकेंगे, गफलत करने वाले पीछे रह जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ मोहतात रहना होगा, अभी आप अपनी मर्ज़ी से फ़वाद नहीं ले सकेंगे। रोज़मर्रा के काम, सरकारी काम, मालूमात अदारे, तालीमी शोबा, मुलाजमत पेशा आज का दिन बेहतर महसूस करेंगे। बुर्ज असद लियो, इस माह आपको सियासत, किसी फलाही अदारे की तंजीम, कोई सरकारी बड़ा काम, कलीम बैंक से कर्जा या बैरून मुल्क से कोई इमदाद मिल सकती है जो कारोबार को मुस्तहकम करेगी। कुछ मुस्बत इकदाम करने होंगे, अपनी सोच में तब्दीली लाएं, खराब कामों में वक्त ज़ाया होगा। याद रखें 23 फरवरी एक बरकत देने वाला दिन होगा, आज का दिन भी किसी अच्छे काम में मददगार साबित होगा इंशाल्लाह। बुर्ज सुंबला विरगो, आज का दिन आपकी जहनी सलाहियतों को बढ़ाएगा। आयरन स्टील के काम करने वाले, टेक्निकल शोबा में मुलाजमत करने वाले प्लम्बर और कारपेंटर, दीगर मजदूर लोग फ़ायदा उठाएंगे। हर किस्म की मशीनरी की खरीद फरोख्त फ़ायदा देगी। जो लड़के लड़कियाँ इंजीनियरिंग टेक्निकल शोबा में दाखिला लेंगे वो अभी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, आज आपको किसी सफ़र पर जाना पड़ सकता है। रूहानी उलूम की तरफ जहन ज़्यादा माइल होगा, तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी मिलेगी। जायदाद की खरीद फरोख्त या नया घर बनाना बेहतर होगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम मिल सकता है। निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मियों में इजाफा होगा, कोई इजाफी रकम, बांड या बोनस मिल सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपको बहुत मोहतात होकर चलना है। आज का दिन आपके लिए बेहतर है, सोच कर काम करें। वरासत या कोई जायदाद का मसला हल होगा। जिन लोगों के कोई कारोबारी मसाइल हैं वो आज हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुश्किलात कम होंगी, तामीरी कामों में हिस्सा लेना बेहतर होगा। आयरन और स्टील का काम करने वाले, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग के शोबा में तरक्की आएगी। हिकमत अमली से काम करें, मुलाजमत के मौके मिल सकते हैं। जहन को पुरसकून रखें, मेहनत से कामयाबी यकीनी है।
برج کوس سیکیٹیریس کچھ لوگ آج تفریحی اور سوشل سرگرمیوں میں دن گزاریں گے، کاروبار میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی، ذہنی اور جسمانی قوت میں غیر معمولی محنت کرنے کا جذبہ ہوگا، بہتر وقت ہے، آپ اپنی مرضی سے کام کر سکیں گے، فنون لطیفہ سے منسلک لڑکے لڑکیاں بہتر کام کر سکیں گے، ہر کام میں محتاط رہنا ہے، صدقہ دیں۔ برج جدی کیپریکون پیشہ ورانہ سرگرمیاں تیز ہوں گی، آج اہم مالی اور کاروباری معاملات میں فائدہ و برکت دینے والا دن ہے، اپنے کام میں وسعت لانے کے لیے کوشش کریں، چھوٹے کاروبار اور سفری امور بہتر رہیں گے، ہر قسمی لین دین اور پراپرٹی کے معاملات بہتر رہیں گے اور برکت بھی ملے گی۔ برج دل ایکویریس جو آپ نے لمبی مدت کے کام شروع کر رکھے ہیں ان کو مکمل کرنے میں برکت ملے گی، ایک کاروباری اور اچھا دن ہے، ذرائع آمدن کو بڑھانے کے لیے کافی مواقع ملیں گے، کاروباری سرگرمیوں میں تیزی رہے گی، گیس بجلی پانی اور کھیلوں کے شعبہ جات اور ملازمین بہتر پوزیشن اختیار کریں گے، سب پر اللہ پاک کی رحمت ہوگی، کاروبار میں وسعت آنے اور خواہشات زندگی کی تکمیل ہونے جیسا دن ہے۔ برج حوت پائسیس آج کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہے، جو کام الجھے ہوئے ہیں ان کو سلجھانے میں مدد ملے گی، مگر گھر میں پوری توجہ رکھیں، عورتیں اپنے کام احتیاط کے ساتھ کریں، بلکہ اس پورے ماہ میں گیس بجلی کے کنیکشن یا کوئی اور چیز خراب ہو سکتی ہے، کسی کے چوٹ لگ سکتی ہے، صدقہ ضرور دیں، بچوں کو عورتوں کو محتاط کر دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔ Thank you.